इस वक्त डिस्कशन ये हो रही है कि नॉलेज मैनेजमेंट का साइकिल जब इम्प्लीमेंट करते हैं हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है इस काम में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या उसकी रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज़ और उसकी क्या रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स हैं या कौन सा एटीट्यूड चाहिए होता है तो इस वक्त हमारे सामने ये डिस्कशन है के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो जॉब टाइटल दिए जाते हैं किसी नॉलेज ऑफिसर को या नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टाफ को उनके डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे सामने नाम आता है नॉलेज uh, हारवेस्टर का अब ये नॉलेज हारवेस्टर कौन होता है अ पर्सन हु हैज़ द स्किल्स टू एलिसिट टेसड नॉलेज फ्राम एक्सपर्ट्स एंड टू कोडिफाइट इन टू अ फॉर्म दैट इज़ मोर रेडली शेयर कैशरेबल और मोर रेरली शेयर्ड कि ऐसा नॉलेज जो एक्सपर्ट्स के जहनों में है जो कि टेस्ट नॉलेज कहलाता है उसको ये एलिसिट करे हासिल करे उसको नोट करे कहीं और उसको फिर कोडीफाई करे और उस नॉलेज को एक्सप्लिसिट फॉर्म में लेके आए ताकि उसको शेयर करना आसान हो इसके बाद है नॉलेज एनालिस्ट अ पर्सन हु लिंक्स द नीड्स ऑफ यूजर्स विद दैट ऑफ नॉलेज प्रोविजन दे ट्रांसलेट यूज़र नीड्स इंटू नॉलेज रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरप्रेट न्यू नॉलेज इंटू द बिजनेस कॉन्टेक्सट कि जो यूज़र की जो नीड है एक तरफ और दूसरी तरफ इन्फॉर्मेशन की प्रोविज़न है उनके दरम्यान लिंक्स कायम करता है और इसके नतीजे में ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं या उसका जो मिशन है उसके काम आ सके उसके बाद है नॉलेज एडिटर अ परसन हु रिफाइन्ज एक्सप्लिसिट नॉलेज कन्वर्टिंग इन टू लैंग्वेज एंड फॉर्मेट्स दैट आर यूजर ओरिएंटेड दे आल्सो सिंथेसाइज़ द एसेंस एंड नगर्स फ्रॉम द वास्ट अमाउंट्स ऑफ अनसट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इन ईमेल्स डिस्कशन फोरम्स एंड अदर अनसट्रक्चर्ड सोर्सिस अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है लेकिन एक्सप्लिसिड फॉर्म में है उसको ये ऑर्गेनाइज़ करता है उसको ये एक जगह जमा करता है और ऐसे फॉर्मेट में लेके आता है या ऐसी लैंग्वेज में लेके आता है कि जो यूज़र के लिए आसान हो और वो उसको आसानी से समझ भी जाए और उसको आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर सके उसको यूज़ कर सके उसके बाद है नॉलेज नेविगेटर सम वन हु नोस देयर वे अराउंड द वेरियस वेरियस नॉलेज डिपॉजिटरीज़ विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन whether दे आर इन databases or और of ऑफ एक्सपर्टीज के नॉलेज कहाँ कहाँ जमा है ये जो नेविगेटर का काम है कि उस नॉलेज को वहाँ से निकाले वो चाहे टेसिड फॉर्म में हो एक्सपर्टीज़ का कोई डेटा बेस बनाए या वो एक्सप्रिस फॉर्म में है तो डॉक्यूमेंट्स का कोई डेटा बेस बनाए और वहाँ से नॉलेज को निकालने की उसको लोकेट करने की सलाहियत रखता हो इसको हम नॉलेज नेविगेटर कहते हैं इसके बाद है नॉलेज ब्रोकर सम वन हु कनेक्ट्स पीपल हु नीड नॉलेज विद दोज have इट कि जो यूज़र हैं जिनकी डिमांड है इन्फॉर्मेशन की और जिनके पास इन्फॉर्मेशन है उनके दरमियान एक कनेक्शन कायम करने का काम करता है दे यूजली हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ नॉलेजबल कॉन्टैक्ट्स इन्हें यह पता होता है कि नॉलेज कहाँ कहाँ से अवेलेबल है और ये जो यूज़र है या जिसकी नीड होती है उसको उसके साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं उसके बाद है, है नॉलेज गेट कीपर पर्सन हु कीप स्टैप ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड डायरेक्ट्स इट टू वेयर इट माइट बी यूजफुल कि जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का नॉलेज है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन रखता है और इसे ये पता होता है कि वो नॉलेज लेके अपने किस यूनिट में किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाना है मोर प्रोएक्टिव दैन द नॉलेज ब्रोकर हु हैंडल्स स्पेसिफिक यूजर रिक्वेस्ट ये जो ब्रोकर होता है वो यूज़र की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उसको सिर्फ देखता है जबकि ये जो नॉलेज गेट कीपर है ये जो फ्यूचर नीड्स हैं उसको भी फोर्स ही करता है और अपने काम को इस तरह से करता है कि नॉलेज को हर वक्त जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से हासिल करके ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी का हिस्सा बनाता चला जाता है इसमें एक और रोल है नॉलेज स्टीवर्ड का अ कस्टोडियन ऑफ नॉलेज रिसोर्स कि जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ने जमा किया चाहे इंटरनल सोर्सेज से चाहे बाहर से उसको किसी जगह पे सेव रखना है जैसे एक लाइब्रेरी है या जैसे एक डेटा बेस या रिपॉसट्री है उसका ये कस्टोडियन होता है कि दे छोर दैट नॉलेज इज़ प्रॉपरली मैनेज एंड कीप अप टू डेट कि वो प्रॉपरली मैनेज भी करता है उसके लिए उसको स्ट्रक्चर करने का कोई सिस्टम बनाना होता है और उस नॉलेज को अप टू डेट भी रखता है तो ये कस्टोडियन का जो रोल है उसको हम नॉलेज स्टीवर्ड कहेंगे और इसमें जो आखिरी रोल है वो है नॉलेज फैसिलिटेटर का इसका काम क्या है पर्सन हु इज़ एक्टिव इन एनकरेजिंग शेयरिंग ऑफ नॉलेज वेदर इट बी थ्रू स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन वर्कशॉप सेशंस और क्रिएटिंग अदर मैकेज़म्स फॉर पीपल टू इंटरेक्ट कि इंसानों के जहनों में जो टेसड नॉलेज है उस नॉलेज को कैप्चर करने के लिए उसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाने के लिए और आगे उसको शेयरेबल बनाने के लिए ये फैसिलिटेटर का जो रोल प्ले करता है ये दरमियान में एक ऐसा कल्चर क्रिएट करता है कि लोग अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करने के काबिल हो जाते हैं